बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ। आज मैं जी सुबह नमाज पढ़ने के बाद अभी 6 बजे का टाइम था और मैंने सोचा बच्चों के लिए नाश्ता बना लूँ। और मैंने आलू की रोटियाँ बनानी है, आलू मैंने उबाल लिए और प्रेशर कुकर में उबालती वो जल्दी उबल जाते थे और इस तरह मैंने उन्हें ठंडा करके मैश कर दिया। आलू में जब उबालते तो नमक लाजमी डालें क्योंकि इससे उसका टेस्ट और अच्छा आता है पीठी का। तो ये जी इसमें आप मैं मसाले डाल रही हूँ, ज़ीरा, गरम मसाला, ये लाल मिर्च और ये गरम मसाला मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ था वो इसमें डाला है, और नमक, और इसमें आप चाहे तो और भी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो सूखी मेथी तो लाजमी मैं डालती हूँ। तो इसको मैं लाहौरी तरीके से बनाऊँगी इसकी पीठी, जिसका बहुत मज़ा और ज़ायका होता है। तो जब ये पकाती है तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जी इसमें काली मिर्चें, मैंने गरम मसाला, ये सब कुछ डाल दिया है। तो अब मैं इसमें हाफ स्टेप बताती हूँ आपको, जिसकी वजह से आलू की जो रोटियाँ और मज़े की और टेस्टी बनती है, और मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। ये जी मैंने 2 छोटे छोटे प्याज लिए और इसको मैं मोटा मोटा चॉप करूँगी, प्याज और 3 जो है छोटी छोटी उसकी लहसुन की 2 मोटी ली है तुरिया, और इसको भी मैं चॉप करूँगी। और आपको ये मैं बताती हूँ किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। ये इसे बारीक बारीक काट लूँगी मैं। इस तरह जिस तरीके से मैं इसे लाहौरी आलू के पराठे वैसे कहा जाता है, लेकिन इससे जब हम बनाते हैं इस तरह जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और हम तो मसाले डाल के बस ऐसे ही पीठी तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो ये मैं आपको बता रही हूँ उसका, इससे बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। उनका जायका भी डिफरेंट होता है, मज़ेदार होता है, बच्चे शौक से भी खाते हैं। और लहसुन तो वैसे भी बहुत मज़ा करता है हर चीज़ में, लहसुन का बहुत जायका होता है। तो ये तो लाजमी डाला ये कई लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जो मैं ये ऐसे पराठे बनाती हूँ जिस वक्त मैं, तो उसमें ये लाजमी डालती हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुनफरीद आता है। अजवाइन भी लाजमी मैं पीठी में डालती हूँ, अजवाइन भी जायका देती है, बहुत अच्छा मज़े का। अगर आपने और मज़े की बनानी है टेस्टी, तो मेहरान वालों का चाट मसाला होता है वो, सिर्फ वही बेस्ट होता है, वो इसमें आप डाल सकते हो, उससे इसका और अच्छा टेस्ट आता है। मेहरान का जो चाट मसाला है वो अगर आप मछली वगैरह पे भी डालेंगे तो उसके ऊपर भी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ना शान वालों का ना किसी और का, लेकिन मेहरान वालों का जो चाट मसाला है उससे बहुत अच्छा टेस्ट और जायका आता है। और आप भी यूज़ करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आलू की रोटियां जो है ये ज़्यादा सर्दियों में ही खाई जाती है, क्योंकि ये सुबह के टाइम जो होता है, एक तो ये छोटा दिन होता है सर्दियों का, तो ये जो है चल जाता है, दोपहर तक चल जाती है आलू की रोटियां या शाम तक, क्योंकि जब बच्चों ने बाहर कॉलेज वगैरह या जॉब पे जाना हो कहीं किसी ने, तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये जी देखें जी, मैं आपको बताती हूँ इसको मैं क्या करती हूँ। मैंने हरी मिर्चें, धनिया भी ये चाप, और पुदीना तो लाजमी डाले क्योंकि पुदीना बहुत जायका करता है। अब इसमें एक मैं चम्मच देखिए इसमें डालूँगी ऑयल का, और इसमें ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं जो जितना मैंने चीज़ें चॉप की है, ये सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी क्योंकि इसके कच्चेपन की जो बू है वो ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा ऑयल इसलिए मैंने ज़्यादा डाला क्योंकि ये जले ना। ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो ये देखिए जी, इसमें अब हम ये जो प्याज को मोटे मोटे कुटे हुए थे ये डाल दूँगी मैं। अब इसको हमें फ्राई करोगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना ना ब्राउन करना है, बस इनको थोड़ा सा मुलायम करना है।
ताकि ये जो है ना हल्के से उनका जो सहतपन है वो कम हो जाए और ये नरम और मुलायम हो जाए प्याज। और पुदीना भी लाजमी मैं डालती हूँ, पुदीना वैसे भी छिड़क सकते हो। ये एक मसाला मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत मज़े का मसाला है, तो ये पराठों के लिए खास मसाला है, तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये इसमें सिर्फ मैं ये, बाकी मसाले तो मैंने पीठी में शामिल कर दिए। तो ये मेरा खास जो है ना टोटके आपके लिए ये मतलब कि खास ट्रिप है, इसकी वजह से पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, और उनका अलग फ्लेवर और अलग जायका आता है। ये देखिए जी, अब इसमें मैंने हरी मिर्ची और धनिया जो बारीक कुचरा हुआ था, इसमें पुदीना भी है वो भी मैं डाल दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और ये मसाला मैं ऊपर डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको पीठी में मैं शामिल कर लूँगी। इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना, बस नमक मिर्च हमने पीठी में डाल दिया। और इसमें सिर्फ ये जो मैंने मसाला डाला है, आप इसकी जगह मेहरान का चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है प्याजों का, इस तरह इन चीज़ों का। ये आप देखिए जी, अब इसको मैं बताती हूँ, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं पीठी में शामिल कर लूँगी। ये जी अब ठंडा हो चुका है वो मसाला जो मैंने तैयार किया था, तो अब वो देखिए मैं इसको पीठी में शामिल करूँगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक तो पीठी का बहुत अच्छा कलर भी आएगा, तो अगर आप कलर करना चाहते हैं तो इसमें हल्दी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, पीठी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने तो नहीं डाला मैंने, क्योंकि हल्दी बच्चे को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, तो उसकी स्मेल आती है, इसलिए मैं हल्दी नहीं डाला। और चाहे तो जर्दा रंग डाल देते, लेकिन इसका मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही से सिंपल से बना के दिया। इसे देखेंगे मैं अच्छी तरह से इसमें मिलाऊंगी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए ये हमारी पीठी तैयार है, तो अब ये मैं पराठा बना रही हूँ इसमें। छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने इसे छोटी सी टोटी बना कर इसमें ये पेठी रख दी है, और इस तरह से मैं पराठे तैयार कर लेती हूँ ये इसके आलू के। इस तरह इसलिए बनाती हूँ, इस तरह एक तो ये मेरी फटती नहीं है रोटी, और ये बहुत गोल गोल और बहुत अच्छी बनती है रोटी की शक्ल, बहुत अच्छी आती है। ये ऐसे करने से ये होता है कि मेरी रोटी जो पीठी होती है रोटी की, वो सारी जो है ना रोटी के ऊपर जो है ना ब्लेंड हो जाती है, सारी जो है रोटी के कोने कोने तक चली जाती है। इस तरह कीजिएगा, और ऐसे एक तो आपकी मतलब पीठी की रोटी जब आप बेलने से बेल रहे होगे फटेगी नहीं, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसे अब थोड़ा सा साइडों से आपने करना है ताकि ये फटे ना, हल्के हाथों से। देखिए जी रोटी की कितनी अच्छी शक्ल आ रही है, अब ये देखेंगे ये तैयार हो गई है। अगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा जो मैंने खास आपको टाइप का आपने बताइए जो तरीका बताया, इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो कैसे तैयार होते हैं और जायका कैसा होता है। पुदीना लाजमी हर चीज़ में डाला करें, कुछ चीज़ों में पुदीना बहुत अच्छा जायका करता है। जिसमें आप इसको ऑयल थोड़ा सा डालूंगी और रोटी को इसके ऊपर डाल दूंगी। देखिए जी कितनी अच्छी गोल सी रोटी बनी है, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर डाल के मैं इसे पकाऊंगी। अगर आप मक्खन में बनाना चाहते हैं, मक्खन में देसी घी में जिसको जो पसंद है उसमें बना सकते हैं, तो मैं खाली ऑयल में बनाती हूँ। अगर इसको हम दूसरे घी में अगर बनाएंगे तो ये और मज़े का टेस्टी और वो सॉफ्ट पराठा बनता है, और मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। इसकी साइड चेंज कर दीजिए, और इसे हल्की आंच पे पकाना है इनको। जब अच्छी तरह से गर्म हो चुका हो आपका फ्राई पैन तवा वगैरह,
बच्चे आलू के पराठे, मूली के पराठे, ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, और सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती है। तो मुझे तो मूली और आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं सबको। आलू के तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ज़्यादातर खाया ही आलू का पराठा जाता है, क्योंकि आलू हर एक को बहुत पसंद होता है, और हर एक को इसकी ये आलू के पराठों को खाने का हर एक को शौक होता है, वो शौक से खाता है। ये जी, मैं दूसरी रोटियों के लिए भी पेड़े बना के रख दूँगी, तो वो जब बच्चे जैसे जैसे उठेंगे, और मैं उन्हें ताज़ा रोटी बना के देती हूँ, तो ये ऐसे बना के नहीं रख देती, क्योंकि जो ताज़ा रोटी का मज़ा होता है उस दूसरी रोटी का नहीं होता अगर पका के रख दो। और ये बिल्कुल जब तवे से उतरी हो तब रोटी ताज़ा खाओ तो बहुत मज़े की लगती है, हँसता और जायकेदार मज़ा भी आता है खाने का। ये ऐसे छोटे छोटे मैं पेड़े बना देती हूँ, और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह ये एक साइड से तैयार होने वाली है, तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये मैं ऊपर ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देखिए माशाल्लाह जी, ये कितना मज़े का टेस्टी पराठा बन चुका है। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं, और सुबह के टाइम सूरज तो वैसे भी लेट ही निकलता है, बच्चों ने जाना तो देर से ही होता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि सुबह के टाइम काफ़ी टाइम मिल जाता है कि बंदा ऐसे छोटे मोटे काम कर लेता है, बहुत सी बरकत होती है इन कामों में। और मैं ज़्यादातर काम सुबह के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कामों में बरकत होती है, बहुत आसानी से निपट जाते हैं और हर काम हो जाता है खामोशी से, और टाइम भी कम, टाइम में बहुत से काम निपट जाते हो। आप देखिएगा, आप भी कभी करके देखिएगा, सुबह के टाइम जो काम होते हैं वो सारा दिन इतनी बरकत नहीं होती उन कामों में जितना सुबह के टाइम हम काम करते हैं, और बरकत होती है हमारे कामों में। आपने रोटी को सॉफ्ट और नरम बनाना हो तो जब आप आटा गूंदते हैं तो उसमें लाजमी ऑयल डालिएगा थोड़ा सा, या घी डाला कर 1 चम्मच, उससे आटा बहुत सॉफ्ट और नरम होता है, रोटी बहुत नरम पकती है। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये आप पराठा तैयार हो चुका है, और आपको इसमें लुक दिखाती हूँ, फाइनल लुक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और मेरी ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है इस तरीके से बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, देखिए और इन्जॉय कीजिए।